दोस्तों, हम लोगों के ज़िंदगी में अनेक परिस्थितियां आती है। उसमें से कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको कि हम लोग झेल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी परिस्थिति आती है जिसको कि हम लोगों को झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई अगर मेरा दुश्मन है जो हमको कि तंग कर रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उससे पीड़ित हैं, तो हम लोगों के मन में ऐसा होता है कि उससे कैसे हम लोग निपटें, उससे हम लोग कैसे मुकाबला करें, उससे जीतें। हम लोगों का सारा ध्यान उससे निपटने में फोकस हो जाता है और ऐसे में हम लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने से चूक जाते हैं। हम लोगों का सारा ध्यान उससे निपटने में लगा हुआ रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सारा ध्यान फोकस अपने आप को आगे बढ़ाने में, ज़िंदगी को बेहतर बनाने में होना चाहिए। जो मेरा दुश्मन है, हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। जब हम खुद आगे बढ़ जाएंगे, जब हम मेरा ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, उसके बाद वो खुद व खुद वो सारा जो भी दुश्मन है वो सब अपने आप साइड हो जाएगा। फिर उसके लिए हमको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। मगर ऐसा होता क्या है कि हम लोग जो है सो सारा फोकस हटा के उसके ऊपर डाल देते हैं और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं उससे निपटने के लिए। इस वजह से वो ये होता है कि हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं और हम लोग बस उससे निपटने में, उससे बदला लेने में अपना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है भविष्य में हम उससे बदला ले लें, लेकिन उसके बदला लेने के बाद फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो मेरे ख्याल से बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम लोग दूसरे से बदला लेने के बदला खुद अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। यही हमारे लिए बेहतर है।